डियर कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने अब तक जो है ग्रामर के विभाग में से जो थोड़े बहुत अंश को देखा, उसी के साथ साथ जितने भी अध्याय हैं, एक से लेकर पाँच तक का अध्याय, उसके साथ साथ प्रश्नोत्तर का भी चर्चा किया। आज जो है हम सातवीं कक्षा से संबंधित पाठ छठा, इसका जो पाठ का शीर्षक है, पाठ का शीर्षक इस प्रकार है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। यह इसका विषय है सरल निबंध, यानी निबंध के रूप में आपको इसे याद रखना है। हमारे राष्ट्रीय, राष्ट्र से संबंधित प्रतीत, यानी प्रतीक, यानी प्रतीत जो आपको चिन्हित करता है उसे प्रतीक कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसका उद्देश्य हम जानेंगे। छात्र इस पाठ के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों का परिचय प्राप्त करके उनका सम्मान करना सीख सकते हैं, यानी राष्ट्रीय प्रतीकों का जो है सम्मान करने की जो बच्चे जो हैं सीख सकते हैं। राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं बहुत सारे हैं, राष्ट्रीय फल है जैसे आम, राष्ट्रीय खेल है हॉकी, राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जो प्रतीत होते हैं, आपको यही राष्ट्रीय चिन्ह ऐसे कहलाते हैं। इस प्रकार छात्र जो है राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान भी करने का बहुत बड़ा जिम्मा भी है। इस निबंध के द्वारा, इस पाठ के द्वारा आपको इनका सम्मान करना भी जरूरी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 6 प्रतीकों का अध्ययन करने वाले हैं, उसमें जो है आज हम 3 जो प्रतीक हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक अध्ययन यानी चिन्ह को अध्ययन करने के बाद जो है आपको उनके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल होगी और उसे सम्मान और ऊंचा करने के लिए जिम्मा जो है आपके ऊपर छोड़ा जाता है। छात्र की वृत्ति है पढ़ना, उसके साथ साथ जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हो, राष्ट्रीय गौरव के बात हो, उसे बनाए रखना है, उसे इज्जत देनी है। उसी प्रकार आज जो है हम उसी के अंतर्गत चिन्हों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। स्वतंत्र देश की पहचान कराते हैं ये स्वतंत्र। हमारा जो 15 अगस्त 1947 को भारत जो है अंग्रेजों के गुलामी से स्वतंत्रता हासिल हुई, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, तो यहाँ पर जो है स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले जो चिन्ह हैं उन्हें हम राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ये हैं। तो हम आज पहला है जो इस प्रकार है, राष्ट्रीय ध्वज। देखिए यहाँ पर आप राष्ट्रीय ध्वज को देख सकते हैं, यह 3 रंगों वाला है, केसरिया, सफेद और हरा। बीच में जो है अशोक चक्र, जो 24 तीलियां हैं। आपने जो है गौरव के समय में या उत्साह के समय में जो है तिरंगा को फहराया जाता है। तो पहला है प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज आप सभी को पता ही होगा, राष्ट्रध्वज जो है 22 जुलाई
1947 को भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया। उसके तुरंत बाद कुछ ही दिनों में 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, तो पहली बार इस ध्वज को लहराया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है 3 रंगों वाला होता है, और इसके साथ राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के जो है भाईचारा, एकता, इंसानियत को भी प्रदर्शित करता है। तो उसी प्रकार 3 रंग हैं, जैसे केसरिया समर्पण या निस्वार्थता का भाव को स्पष्ट करता है, सफेद जो है शांति, सच्चाई और शुद्धता को प्रतीत करता है। उसी प्रकार हरा जो है युवा और ऊर्जा देने जैसे हरियाली भी कह सकते हैं। यह हर वर्ष जो है 15 अगस्त को जो है लहराया जाता है। प्रधानमंत्री लाल किले के ऊपर 15 अगस्त को जो तिरंगा है वह लहराया जाता है, लहराते हैं। उसी प्रकार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, उस समय जो है देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति वे लाल किले पर तिरंगे को लहराते हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, और जो है 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी वे फहराते हैं। उसी प्रकार तो ये हो गया। अब राष्ट्र ध्वज जो है तिरंगा जो है खादी से बनाया जाता है। यह कपड़ा जो है हाथ से बनाया हुआ है, जो गांधी जी, आपको पहले ही पता होगा, अपने जो निजी वस्तुओं के द्वारा जो है तिरंगे को बनाया था। उसी प्रकार खादी के अलावा किसी अन्य कपड़े से बनाएगा तो वह भारत बिल्कुल जो है भारत में उसे फहराने की बिल्कुल जो है इजाजत नहीं है। तो राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय पर्व में उत्साह के साथ फहराया जाता है, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि। भारतीय ध्वज आदर और सम्मान के लिए माना जाता है, जैसे स्कूल, शिक्षण संस्थाएं कह लीजिए, कॉलेज कह लीजिए, विश्वविद्यालय कह लीजिए, खेल कैंप में और स्काउट कैंप में आप देखे होंगे। खेल कैंप में जो है हमारे भी यहाँ स्पर्धाएं होती हैं हमारे स्कूलों में, वहां पर जो है राष्ट्रीय ध्वज को भी लिया जाता है। हमारे सैनिक स्कूल में भी जो है सुबह 6 बजे जो है तिरंगे को लहराया जाता है। उसी प्रकार शाम को 6 बजे इसे नीचे उतारा जाता है सम्मान के साथ। इसी प्रकार आज यहां पर कुछ जानकारी दी है आपके पाठ्य पुस्तक में, ये तो मैं ऊपरी जानकारी बताया तिरंगे के बारे में। अब देखेंगे भारतीय ध्वज में 3 रंग हैं, जैसे मैंने उल्लेख किया है, केसरिया, सफेद, हरा। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। त्याग, जैसे साधु संत सन्यासी जो है केसरिया जो कपड़े वस्त्र पहनते हैं, जितने भी साधु संत हैं वह केसरिया, क्योंकि उसमें त्याग का प्रतीक है। उसी प्रकार वीरता का भी प्रतीक है। आप देखे होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनका ध्वज जो है
केसरिया रंग का है। केसरिया वीरता का प्रतीक है। उसी प्रकार सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। शांति जो मदर टेरेसा आप देख सकते हैं, शांति पुरस्कार मिला उनको, नोबेल। शांति जो है मन को शीतलता पहुंचाती है, कोई दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाती। पवित्र भी, जैसे पवित्र स्थल भी आप देख सकते हैं, गुरु नानक है, धर्मस्थल है, काशी है, रामेश्वरम है, ये सभी पवित्र स्थल कहे जाते हैं। वहां पर आपका मन जो है पवित्र हो जाता है, आपका सारा शरीर जो है पवित्र हो जाता है। यह सफेद जो है शांति और पवित्रता की निशानी है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है, जो अशोक स्तंभ से लिया गया। नीचे उसके जो है चार सिंह के नीचे जो है अशोक चक्र है बीच में, ठीक है। इसमें 24 तिलियां हैं। कितने तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं, यानी जो रेखाएं हैं 24 नीले कलर के। यहां पर आप ऐसे देख सकते हैं, यहां पर इसमें 24 तिलियां हैं। तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, अपनी इज्जत का प्रतीक है। इसीलिए जब भी क्रीड़ाओं में विजेता होया जाता है तो उसके साथ साथ जब उनको बहुमान दिया जाता है तो तिरंगा वैसे ही उसी स्थान पर लहराया जाता है। और उसी के साथ साथ जो है हमने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में समग्र अध्ययन किया। दूसरा है राष्ट्रीय चिन्ह, जो इस प्रकार है। इसे अशोक स्तंभ के ऊपर जो है टोक में देखे जा सकते हैं। ऊपरी भाग में अशोक चक्र, अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के बहुत ही बड़े शूरवीर योद्धा थे, उनको सम्राट अशोक सम्राट के नाम से जाना जाता है। अशोक स्तंभ जो है यह सारनाथ, जो आज के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, वहां पर इसे देखा जा सकता है। यह जो है अशोक की जो है युद्ध कला और उनकी साम्राज्य के विस्तार के बारे में इसमें लिखा गया है, अशोक स्तंभ में। उसी प्रकार जो है इसके नीचे जो है यहां पर अशोक चक्र को देखे जा सकते हैं। यहां पर उसके साथ साथ जो है सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा जय हो, इस तरह इसमें लिखा गया है। यह एक ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, यहां पर लिखा है, ये हिंदी में लिखकर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यह जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। उसी प्रकार इसकी ऊंचाई जो है 17.55 मीटर है, जो 55 फुट कहलाता है। उसी ऊपरी जो भाग है, जो चार स्तंभ, चार यहां पर सिंह के जो चेहरे हैं वह देख सकते हैं। यह अब सारनाथ के संग्रहालय में संग्रह हैं। उसी प्रकार यह इस समय जो है इसकी ऊंचाई लगभग केवल 2.3 मीटर हो गई है, जैसे 7 फुट 9 इंच। तो उसी प्रकार आपके पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार इसकी जानकारी दी है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ का जो ऊपरी भाग है उसे लिया गया है। यह चार मुखों वाला सिंह है, ये देखिए 1 2 3, इसके पीछे एक है, यह चार मुखों वाला सिंह है। बीच में धर्म चक्र है, बीच में जो है धर्म चक्र कहते हैं इसे।
आपको यह जानकारी होना चाहिए कि यह तिरंगे में जो है अशोक चक्र को इसी को जो 24 तीलियां हैं, जो रेखाएं हैं, इसे भारत ध्वज में लिया, भारत के तिरंगे में लिया गया है। चक्र की एक ओर यानी ये दोनों ओर के एक ओर में सांड है, जो यहां पर दिख सकता है सांड का चित्र। दूसरी ओर घोड़े का चित्र है, इसकी ओर घोड़े का चित्र है, आप यहां पर देख सकते हैं। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, नीचे जो है सत्यमेव जयते, मैंने पहले ही कहा सत्य का जय हो। ये जो पूरी जानकारी है अशोक ने अपनी साम्राज्य की विस्तार के बारे में लिखा है, जो युवावस्था में ही कलिंग युद्ध में जो है बहुत ही भयंकर युद्ध किया, वहां पर सभी रक्तपात देखकर वह उसका जो दिल है मन जो है परिवर्तन हो गया और वह बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो दूसरा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो आगे हम देखेंगे तीसरा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जो राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ना या उसे कहना जो है अगौरव कहलाएगा अभी, क्योंकि वह जो सम्मानित जब सभा समारंभ में या आप लोग हो सभी जो कब गान किया जाता है, जब सभी खड़े होकर इसे जो है गौरव देते हैं तब गाया जाता है। इसीलिए इस गीत को मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि पहली से लेकर जो स्कूल कॉलेज में बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जो है प्रार्थना सभा में यह गीत गाना ही है, भारत का जो है राष्ट्रगान कहलाता है, इसीलिए इसे गौरव भी देना है। खड़े होकर आप कहाँ भी हो उसे खड़े होकर जो आपके कानों पर यह गीत सुनाई देता है, तो वहां पर भी आप सावधान स्थिति में रहकर इसे गौरव देना है। भारत राष्ट्रीय गान कब कब गाया जाता है, जब आपके स्कूल में, सैनिक स्कूल में ही ले लीजिए, आपका स्कूल का जो है प्रेयर होने के बाद, प्रार्थना होने के बाद जो है राष्ट्रगान का गीत गाया जाता है। उसी प्रकार आपने देखा होगा क्रिकेट खेल में से सबसे बड़ा माना जाता है खेल क्रिकेट, वह मैच जो है स्पर्धा प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रगीत को गाया जाता है, राष्ट्रगान किया जाता है। उसी प्रकार जो है खेल अन्य खेलों में, ओलंपिक खेलों में जब आप पदक हासिल करते हैं, उस समय स्वर्ण पदक हो, उस समय भी कोई भी तीन जो है प्रथम आओ, द्वितीय, तृतीय आओ, उस समय जो है राष्ट्रगीत का जो है गीत गाया जाता है। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, जन गण मन है, ठीक है, जन यानी जनता, गण यानी जनता, गण के मन में रह बसने वाला यह गीत है। कवींद्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा है, यह एक बंगाल के प्रसिद्ध कवि हैं, और जो है स्वतंत्रता दिलाने के लिए यह भी एक प्रमुख व्यक्ति भी कहलाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। उसी प्रकार राष्ट्रगान राष्ट्रीय समारोह, बड़े बड़े समारोह में, राष्ट्रीय समारोह में गाया जाता है। राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, विद्यालयों में गाया जाता है, जैसे आपका सैनिक स्कूल ही ले लीजिए, इसका गान जो है सुबह सुबह आप भी गाया करते हैं। इसको गाने में
52 सेकेंड का समय लगता है, 1 मिनट भी नहीं, 52 सेकेंड का जो है इस राष्ट्रीय गान को गाना है। राष्ट्रगान की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। जैसे जैसे ही आपको इस गान का कानों पर पड़ता है तो आप इसको सम्मानित करने के लिए, सम्मान देने के लिए खड़े होना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में हमने पहला जो है राष्ट्रध्वज को देखा, राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ से लिया गया है उसे देखा, तीसरा जो है राष्ट्रगान जो 52 सेकेंड में गाया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। तो इस प्रकार हमने जो है तीन जो राष्ट्रीय प्रतीक का समग्र अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है आगे के तीन जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।